ईंधन दर घटाने वाले मामले को लेकर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशन वाइज प्रोटेस्ट है सर जी। राष्ट्रीय स्तर पर ईडी कार्यालय का घेराव, क्योंकि ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी का उनके हितों को ध्यान में रखते कार्रवाई करती रही है। अब तीसरे दौर में ये एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। मोदी चार बार, अभी दो महीने में चार बार यू टर्न ले चुके हैं। अब अधिकारियों को समझ जाना चाहिए कि अब आपको मोदी बचाएंगे नहीं। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, ये जो फर्जी जो शिकायत के आधार पर जो जांच कर रहे हैं, सबको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उस सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जज की कमेटी बना के इस सब चीजों की जांच करवाएंगे। आपने एक बात कही अपने बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता शामिल होते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। दो दो मुख्यमंत्री का आपने जेल भेजा है, तो ये जो गलत आप जांच कर रहे हो, ये जितने भी कार्रवाई किए हैं उसकी जांच हम लोग करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी। छह सौ छापे डाले हैं, और उसी छाप पहले आईटी रेड डाला, फिर ईडी रेड डाला, फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू दे दिए हैं, अब सीबीआई जांच करेगी। तो ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार अब उनके राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते कर रहे हैं। तो ऐसे मामले जिसमें जबरदस्ती लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, सोनिया जी, राहुल जी के तक ईडी से नोटिस दिया गया, 50-50 घंटे पूछताछ की गई, तो ये बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जब भी हमारी सरकार आएगी ये सारी चीजों की जांच हम लोग कराएंगे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।